क्वेश्चन नंबर 4, अ कंपनी इशू 5,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर। द कॉस्ट ऑफ प्रोटेशन अमाउंटिंग टू 4% ऑफ फेस वैल्यू, टैक्स रेट इज 35%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट इफ द डिबेंचर आर इशू एट पार, इशू एट 10% डिस्काउंट एंड इशू एट 5% प्रीमियम। तो तीन सिचुएशन दिया हुआ है, तीनों सिचुएशन में आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालना है, लेकिन ये वाला जो डिबेंचर है वो रिडीमेबल वाला है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ डिबेंचर, वन इज रिडीमेबल एंड अनदर इज इरिडीमेबल। तो अब तक जितना क्वेश्चन देखे थे हम लोग उसमें था इरिडीमेबल। इरिडीमेबल मतलब होता है वैसे डिबेंचर जिसका रीपेमेंट कंपनी नहीं करती है, वापस उसके पैसे नहीं करती है, लेकिन एक फिक्स टाइम के बाद डिबेंचर होल्डर्स के पैसे अगर कंपनी वापस कर देती है तो वैसे डिबेंचर को बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। तो रिडीमेबल डिबेंचर में किस तरीके से निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। देखिए यहाँ फार्मूला हमने लिख रखा है, के डी मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट और ये रिडीमेबल वाला डिबेंचर का, इंटरेस्ट प्लस आर बी माइनस एन पी बाई एन। क्या मतलब होता है, आर बी मतलब रिडीमेबल वैल्यू, कंपनी जब अभी पैसे ले रही है तो कितना वापस करेगी उसको बोलते हैं रिडीमेबल वैल्यू। एन पी मतलब नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड मतलब जब कंपनी डिबेंचर इशू करेगी तो उसको पैसे कितना नेट अमाउंट मिलेंगे। तो ये अपने पास फार्मूला हो गया, इंटरेस्ट प्लस आर बी माइनस एन पी बाई एन। अच्छा, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर ऑफ रिडम्पशन, कितने साल के बाद कंपनी पैसे वापस करेगी डिबेंचर होल्डर्स के, उसको बोलते हैं एन। तो बस इसको पुट करेंगे, पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है उसे पहले लिख लेते हैं। पहले ए नंबर, इफ डिबेंचर इशू एट पार, बनाने का प्रोसेस बिल्कुल वैसे होगा जैसे पहले क्वेश्चन में था। एक की फेस वैल्यू 100 रुपया है और नंबर ऑफ डिबेंचर है 5,000, तो टोटल फेस वैल्यू हो गया 5,000 डिबेंचर इंटू 100, 5 लाख, मतलब 5 लाख रुपये की डिबेंचर है। अब कंपनी जब इसको एट पार पे इशू करेगी तो 5 लाख ही आएगा, पार मतलब जितना रेट है उसी प्राइस पे इशू करना, डिस्काउंट मतलब कम में इशू करना और प्रीमियम मीन्स ज़्यादा में इशू करना। तो 5 लाख की डिबेंचर को अगर कंपनी पार में इशू करेगी तो 5 लाख रुपये ही आएंगे। अच्छा, इसमें और लेकिन कुछ एक्सपेंसेस वगैरह भी दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले दो चीज़ें निकालेंगे, एक इंटरेस्ट और एक नेट प्रोसीड। लिखेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, इंटरेस्ट की रेट है ये रहा 10% डिबेंचर, डिबेंचर का जो रेट है वही इंटरेस्ट का रेट है, 5 लाख का 10%, 50,000 रुपीज। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड, कंपनी को जब डिबेंचर इशू करेगी तो कितना पैसा मिलेंगे। तो लिखो पहले टोटल फेस वैल्यू, कंपनी का टोटल फेस वैल्यू है डिबेंचर का 5,000 डिबेंचर इंटू 100, 5 लाख रुपीज। उसमें से डिस्काउंट रहता तो माइनस करते, प्रीमियम रहता तो प्लस करते, बट ये पार वाला है। लेकिन इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन अमाउंटिंग टू 4% ऑफ फेस वैल्यू लिखा हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन माइनस करिएगा, कोई भी एक्सपेंसेज हो तो उसे माइनस करेंगे। कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन में 4% ऑफ फेस वैल्यू, 5 लाख का 4%, 20,000। तो जैसे फ्लोटेशन कॉस्ट आप माइनस करेंगे तो बचेगा 4,80,000 और इसे बोलेंगे नेट प्रोसीड। तो आपको नेट प्रोसीड निकालने आना चाहिए, इंटरेस्ट हो गया 50,000, नेट प्रोसीड हो गया 4,80,000। अच्छा, फार्मूला में अब देखिए, इंटरेस्ट पता चल गया, नेट प्रोसीड भी पता चल गया, दो चीज़ें और चाहिए, एक रिडीमेबल वैल्यू और एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर जिस साल कंपनी उसके पैसे वापस करेंगी। तो देखिए कंपनी कब पैसे वापस करेंगे, लिखा हुआ है रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर,
और कितना वापस करेगी उसको रिडीमेबल वैल्यू बोलते हैं। तो कंपनी ने कहीं पर लिखा नहीं है कि कंपनी कितना पैसा वापस करेगी, तो जितना लिया उतना वापस करेगी। तो इसकी जो फेस वैल्यू है, जैसे 5,000 और 100 रुपया वाला, मतलब 5 लाख रुपया, तो अगर कंपनी ने लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि कितना पैसा वापस करेगी, तो जितना फेस वैल्यू है वही अमाउंट वो वापस करेगी। तो उसको भी लिख लीजिए, आर भी मतलब रिडीमेबल वैल्यू, 50,000 डिबेंचर 100-100 रुपया वाला 5 लाख, और एन मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर ऑफ रिडम्पशन, कितना साल में कंपनी पैसे वापस करेगी, 5 साल में, तो आप इसे लिखो 5 ईयर्स, कंपनी 5 साल में पैसे वापस करेंगी। अब इसके बाद सारी चीज़ें आ चुका है, तो हम फार्मूला पुट करेंगे, के डी बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। फार्मूला है इंटरेस्ट, देखिए ये वाला, इंटरेस्ट प्लस आर बी माइनस एन पी बाई एन, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड बाय एन होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड बाय टू और इनटू 100% के लिए। तो इंटरेस्ट क्वेश्चन में हम लोग निकाल चुके हैं 50,000 प्लस, इसको अंडर ब्रैकेट में रख सकते हैं। रिडीमेबल वैल्यू कितना है, रिडीमेबल वैल्यू 5 लाख माइनस नेट प्रोसीड 4,80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितने साल है, 5 साल के बाद कंपनी पैसे वापस करेगी, तो 5 लिखें, और सेम चीज़ें नीचे भी, पर यहाँ प्लस है, रेडीमेबल वैल्यू 5 लाख प्लस नेट प्रोसीड 480 बाई 2, एवरेज निकाला जाता है इसका। ये हो गया 50,000 प्लस 5 लाख में 4,80 घटाएंगे तो बचेगा 20,000 डिवाइडेड बाय 5, और इधर 4 और 5 9,80,000 बाय 2 इंटू 100, ये 100 सब में दे दीजिए, इसको कट करेंगे तो 50,000 प्लस 4,000 डिवाइडेड बाय 9,80,000 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4,90,000 और इंटू 100, 54,000 डिवाइडेड बाय 4,90,000 और इंटू 100, 4 0 कैंसिल, 4 5 ये हो जाएगा 5,40/49, इसको डिवाइड कर दीजिए 11.02%। ये था बिफोर टैक्स। अब आफ्टर टैक्स निकालना हो तो या तो इतना बड़ा लंबा फार्मूला लिखो और 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट जो आया है उसी को मल्टीप्लाई करिए। तो इतना हम बड़ा फार्मूला नहीं लिखेंगे, बिफोर टैक्स आया उसमें आप 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, के डी आफ्टर टैक्स। तो आपका जो 11.02% आया है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस टैक्स से, ये जो वैल्यू आया है उसी को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना है। 11.02 इंटू 1 माइनस टैक्स की रेट क्वेश्चन में है 35%, ये रहा, और 35 को लिखते हैं 0.35, तो 11.02 इंटू माइनस करेंगे तो आएगा 0.65, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 7.16%, ये हो जाएगा आफ्टर टैक्स। पॉइंट नंबर ए कंप्लीट। अगर कंपनी डिबेंचर को एट पार पे इशू करेगी और 5 साल के बाद रिडीम करेगी तो कॉस्ट ऑफ डेट कितना आएगा, अब बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स कितना आएगा, हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, अगर कंपनी 10% डिस्काउंट में इशू करेगी तो क्या होगा, 5% प्रीमियम इशू करेगी तो क्या होगा। तो सेम प्रोसेस होगा, बस यहाँ पर करना क्या है कि आपको जो इशू प्राइस
या फिर नेट प्रोसीड, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो आपका नेट प्रोसीड में डिफरेंट होगा और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि अगर कंपनी 10% डिस्काउंट में इशू करेगी तो क्या होगा। इस बार आपको बी नंबर बनाना है। बी नंबर में लिखेंगे इफ डिवेंचर इशू एट 10% डिस्काउंट फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर 100 रुपया, एक की फेस वैल्यू है 100 रुपया और इसका नंबर ऑफ डिवेंचर है, तो टोटल फेस वैल्यू हो गया 5000 × 100, 5 लाख, और जितना टोटल फेस वैल्यू होता है उसी अमाउंट पर इंटरेस्ट निकलता है। सो देयरफॉर इंटरेस्ट का 10% 50,000 रुपीज़, ये हो गया आपका इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट निकल गया, अब हमें निकालना है नेट प्रोसीड। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड मतलब कंपनी को जब डिबेंचर इशू हुआ तो कितना पैसा मिला। टोटल फेस वैल्यू 5 लाख रुपीज, 50,000 डिबेंचर और 100-100 रुपये वाला 5 लाख, उसमें से अगर कंपनी डिस्काउंट में इशू कर रही तो उसको माइनस कर दो, और प्रीमियम है तो प्लस। डिस्काउंट 10% क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10% देखिए 10% डिस्काउंट, तो उसे माइनस कर देंगे। 5 लाख का 10% होता है 50,000, और इसे कर दीजिए माइनस 4,50,000। देखिए फेस वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस करो या फिर प्रीमियम प्लस करो तो जो रिजल्ट आएगा उसको बोलते हैं इशू प्राइस। तो कई बार जो एक्सपेंसेस होता है वो इशू प्राइस पर निकलता है, कई बार फेस वैल्यू पर, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि द कॉस्ट ऑफ प्लोटेशन अमाउंटेड टू 4% ऑफ फेस वैल्यू, कहीं कहीं पर आपका इशू प्राइस पर बोलता है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिलहाल फेस वैल्यू का 4% निकालेंगे प्लोटेशन कॉस्ट, माइनस करेंगे प्लोटेशन कॉस्ट 4% ऑफ फेस वैल्यू बोले, तो फेस वैल्यू आपका 5 लाख है, 5 लाख का 4% निकालेंगे 20,000, इसको कर देंगे माइनस, जितना भी एक्सपेंसिव रहेगा उसको करना है माइनस, तो आएगा 4,30,000, ये आएगा आपका नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड आ चुका है और इंटरेस्ट भी आ चुका है। आप निकालिए अब कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स। फार्मूला होगा इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड बाय एन होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड बाय 2 और इनटू 100। ये बिफोर टैक्स है, तो देखिए कितना आएगा। इंटरेस्ट की अमाउंट है 50,000 रुपीज और नेट प्रोसीड है 4,30,000। 50,000, अच्छा रिडीमेबल वैल्यू कितना पैसा कंपनी वापस करेगी, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मतलब जितना फेस वैल्यू है उतना ही वापस करेगी, 5 लाख रुपया, तो आप लिखोगे रिडीमेबल वैल्यू में 5 लाख। कई बार क्वेश्चन में लिखता है कि रिडीमेबल एट प्रीमियम, मतलब ज़्यादा पैसे वापस करेगी, तो जो क्वेश्चन में रहेगा वो देखेंगे। माइनस नेट प्रोसीड, जब कंपनी डिबेंचर इशू कर रही थी तो उसको नेट पैसा कितना मिला था, 4,30,000, तो 4,30,000 लिखिए आप यहाँ, डिवाइडेड बाय एन कितने साल के बाद पैसे वापस करेगी, तो 5 ईयर, बाय रिडीमेबल वैल्यू 5 लाख प्लस नेट प्रोसीड 4,30 और डिवाइडेड बाय 2 और फिर इनटू 100, इसको कर दीजिए 50,000 प्लस 5 लाख में से 4,30,000 अगर माइनस करेंगे तो बचेगा 70,000 बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 लाख और 4,30, 9,30,000 डिवाइडेड बाय 2 और इनटू 100। 50,000 प्लस, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 14,000 बाय 465,000 और इनटू 100,
तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 64,000 डिवाइडेड बाय 465,000 इंटू 100, 3 0 कैंसिल, ऊपर बचा 6,400 डिवाइडेड बाय 465। सिंप्लीफाई करने पर आ रहा है 13.76%। ये हो गया बिफोर टैक्स। अब एक बार निकालेंगे के डी आफ्टर टैक्स। के डी आफ्टर टैक्स फार्मूला सेम होगा, लेकिन यहाँ पर पूरा फार्मूला नहीं लिखकर बस बिफोर टैक्स आया उसको 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 13.76 इंटू 1 माइनस टैक्स, ये आप माइनस कर दो हो जाएगा आंसर 13.76 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट है 35%, 35% को लिखते 0.35। 13.76 इंटू 1 से माइनस करने पर आएगा 0.65, मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 8.95%। तो ये हो गया आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, और बिफोर टैक्स ये वाला हो गया। तो इसका सेकंड पार्ट डन। अगर कंपनी इसको 10% डिस्काउंट पर इशू करेगी तो इसका कॉस्ट क्या होगा, इसी क्वेश्चन को एक बार और बनाना है। एट पार वाला हो गया, डिस्काउंट वाला हो गया, प्रीमियम में अगर कंपनी 5% प्रीमियम में इशू करती है तो उसका कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होगा। देखिए अब हम लोग तीसरी वाली पॉइंट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इफ डिबेंचर इशू एट 5% प्रीमियम, कंपनी अगर 5% प्रीमियम इशू करती है तो उसका कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होगा। फेस वैल्यू 101 का है, टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स 5,000, तो टोटल फेस वैल्यू हो गया 5,000 इंटू 100, 5,00,000। इंटरेस्ट और नेट प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल जो फेस वैल्यू होता है उस पर इंटरेस्ट निकलता है 10% है 50,000, और कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट मतलब जब कंपनी डिबेंचर इशू किया तो उसको टोटल पैसे कितना मिले। टोटल फेस वैल्यू 5,00,000 रुपया का डिबेंचर है, कंपनी से 5% प्रीमियम इशू कर रहा है, तो लिखोगे प्रीमियम। अगर डिस्काउंट में इशू करेगा तो माइनस करेंगे, प्रीमियम मतलब ज़्यादा होता है तो उसको प्लस करेंगे 5%। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है इशू एट 5% प्रीमियम, 5,00,000 का 5% 25,000, इसका मतलब हुआ कि 5,00,000 का डिबेंचर को कंपनी 25,000 एक्स्ट्रा पैसा लेकर इशू कर रही है, तो 5,25,000 रुपया हो जाएगा, इसको बोलते हैं इशू प्राइस। उसमें कोई एक्सपेंसेज है तो उसे माइनस करो, रोटेशन कॉस्ट है 4% ऑफ फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू अपने पास है 5,00,000 और उसका 4% 20,000, तो 20,000 माइनस कर दीजिए बचेगा 5,05,000, ये हो गया नेट प्रोसीड। तो इस क्वेश्चन में नेट प्रोसीड भी आ गया और इंटरेस्ट भी आ गया। अब निकालिए अब कॉस्ट ऑफ डेब्ट के डी बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स का फार्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड बाय एन डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड बाय 2 और इंटू 100। ये बिफोर टैक्स है और आफ्टर टैक्स होगा तो इसमें 1 माइनस टैक्स फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटरेस्ट की अमाउंट है 50,000 प्लस रिडीमेबल वैल्यू, कंपनी कितना पैसा वापस करेगी तो कुछ नहीं बोला है, तो जितना फेस वैल्यू है वही विच इज़ 5,00,000 रुपीज़, माइनस नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में आया है 5,05,000 डिवाइडेड बाय कितने साल के बाद पैसे वापस करेगी, तो 5 साल डिवाइडेड बाय सेम अमाउंट को लेकर लिखे नीचे रिडीमेबल वैल्यू है 5,00,000 माइनस नेट प्रॉफिट है, अच्छा यहाँ पर प्लस लिखेंगे सॉरी
5,05,000 डिवाइडेड बाय 2 और इनटू 100, तो 50,000 प्लस 5,00,000 में से 5,05,000 माइनस करोगे तो आएगा माइनस में 5,000 डिवाइडेड बाय 5 बाय 10,05,000 बाय 2 इंटू 100, ये 50,000 और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1,000 माइनस में, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस में है, देखिए तो 1,000 माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करिए 2 से, 5,02,500 इंटू 100, 50,000 में 1,000 माइनस करेंगे तो 49,000 बाई 5,02,500 इंटू 100, तो 0 कैंसिल, 49,000 डिवाइड बाई 5,025, 9.75%, ये हो गया बिफोर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स हो गया 9.75। अगर अब आफ्टर टैक्स निकालना हो तो क्या करेंगे, के डी आफ्टर टैक्स, तो ये जो बिफोर टैक्स आया है उसको 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 9.75 इंटू 1 माइनस टैक्स, पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 9.75 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट था 0.35, 35% के लिए 0.35 लिखेंगे, और 9.75 इंटू ब्रैकेट मतलब इंटू है 0.65, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.34%, ये हो गया आफ्टर टैक्स। तो इस तरीके से ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें तीन सिचुएशन था, डिबेंचर इश्यूड पार, डिबेंचर इश्यूड 10% डिस्काउंट और डिबेंचर इश्यूड 5% प्रीमियम, तो उसकी कॉस्ट ऑफ डेब्ट बतानी थी, और ये रिडीमेबल वाला डिबेंचर था, तो रिडीमेबल की फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन आसान है, तो क्वेश्चन नंबर 4 डन।